हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको अपने फ्लैट की कन्वेंस डीड कैसे एग्जीक्यूट करवानी है DDA से और उसकी रजिस्ट्री कैसे करवानी है। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को अपने पहले वीडियोस में भी बताया था कि मेरा भी नाम DDA फ्लैट में आया था वसंत कुंज में, बट ये 2019 की लॉटरी में मेरा फ्लैट आया था। तो अभी तक हमने कन्वेंस डीड नहीं बनवाया था, रजिस्ट्री नहीं करवाई थी, बट फाइनली अब मैंने कन्वेंस डीड बनवा लिया है और रजिस्ट्री करवा ली है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे भी काफ़ी डाउट्स थे। तो मैंने अभी एक्सपीरियंस किया है क्या स्टेप्स होते हैं, तो सारे डाउट्स मेरे क्लियर हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको अपना फ्लैट का पोजीशन मिलने के बाद रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको विकास सदन DDA के ऑफिस जाना होगा। ये INA में है। मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्लिप बनाया हुआ है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि ये DDA का ऑफिस है और यहाँ पे ये एंट्रेंस है। तो फ्रेंड्स, आपको रजिस्ट्री करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक फ्लो चार्ट के ज़रिए समझाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लो चार्ट। सबसे पहले आपको अपने फ्लैट का अलॉटमेंट लेटर मिला होगा, उसके बाद आपने सारा पेमेंट क्लियर किया होगा, उसका अमाउंट भरा होगा और फिर आपने फिजिकल पोजेशन लिया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपके कन्वेंस डीड को इश्यू करवाने का और फिर उसे रजिस्टर करवाने का। अब मैं आपको कन्वेंस डीड के बारे में बता देती हूँ। कन्वेंस डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आपको अपनी प्रॉपर्टी का ओनरशिप मिलता है। अब उसके लिए आपको एक ब्लैंक पेपर पे एक एप्लीकेशन देना होगा, काउंटर नंबर 4 और 5 पे, और जो भी कैटेगरी में आपका फ्लैट है जैसे कि MIG LIG, उसको एड्रेस करते हुए एक एप्लीकेशन दीजिए आप कन्वेंस डीड की मांग करते हुए, और उसके साथ आपको अपनी पोजीशन स्लिप की कॉपी भी लगानी होगी। और उसके बाद आपको इस तरीके से स्लिप हैंडओवर कर दी जाएगी और करीबन 45 डेज के बाद आपके घर पे 3 कॉपीज रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आएगी। और ये जो 3 पेपर होंगे ये ग्रीन कलर के होंगे और ये CD पेपर्स होते हैं, मतलब कि ये कन्वेंस डीड के पेपर्स होते हैं। इसमें से एक पेपर जो होगा वो ऑलरेडी फिलअप होगा, वो फिल्ड होगा ऑलरेडी। आपको जो दूसरे बाकी जो 2 पेपर है वो उस पेपर को फॉलो करके सारी चीज़ें वैसे ही फिर से फिल करनी है, और उसके साथ साथ आपको अपनी एक फ़ोटोग्राफ लगानी है। और अगर आपका कोई को-ओनर है तो आपको उसकी भी फ़ोटोग्राफ लगानी होगी, और फिर ये आपको फिर से काउंटर नंबर 4 और 5 पे जमा करना होगा। और इसके साथ आपको स्टैम्प पेपर की भी फ़ोटोकॉपी लगानी होगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि कितने वैल्यू का आपको स्टैम्प पेपर ख़रीदना होगा। अब उसके लिए आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साइट पे जाना होगा। वहाँ पे जब आप विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि मेल के लिए 6%, फीमेल के लिए 4% और मेल प्लस फीमेल के लिए 5% का अमाउंट आपको लगेगा। तो इतने का आप स्टैम्प पेपर खरीद लीजिए। बट आपको ख़रीदना कैसे है? अब या तो आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं स्टॉक होल्डिंग के वेबसाइट पर जाके कुछ इस तरीके से, या फिर आप बैंक से भी बाय कर सकते हैं। ये फॉर्म भर के आप इस अकाउंट नंबर पे पैसे जमा कर दीजिए, उसके बाद आपको इस तरीके का स्टैम्प पेपर मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसमें आप सारी चीज़ें अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस। अब इसके बाद आपको अपने इस स्टैम्प पेपर की फ़ोटो कॉपी के साथ जो 3 पेपर्स आपको CD के मिले हुए थे कन्वेंस डीड के, उसको लेके प्लस एक एप्लीकेशन लिख के काउंटर नंबर 4 और 5 पे जमा कर दीजिए। और अगेन आफ्टर 45 डेज आपको इस तरीके का एक पेपर सेंड किया जाएगा जिसमें लिखा होगा कि किन किन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको DDA के ऑफिस जाना है। तो आइए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है। तो सबसे पहले आपको अपना अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है, डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर जो आपको पहले मिला होगा। फिर आपको पोजीशन लेटर लेके जाना है, और उसके बाद आपको पोजीशन स्लिप लेके जाना है जो आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से इशू किया गया होगा। अब NOC लेके जाना है इलेक्ट्रिसिटी का और वाटर कनेक्शन का। और जो 5th पॉइंट है ये एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको हम स्किप कर देंगे। 6th पॉइंट है कि आपको वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारे एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपको सारी चीज़ें लेके जानी हैं।
अब उसके बाद अगर आपने बैंक से लोन लिया है अपनी प्रॉपर्टी के लिए, तो आपको बैंक से NOC सर्टिफिकेट लेके जाना है। और यहाँ पे आप जब जाएंगे DDA के ऑफिस जाएंगे, जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट आपका डेट दिया जाएगा, तो आपको साथ में एक पर्सन को लेके जाना है जो बैंक से होगा जहाँ से आपने लोन लिया है, अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फ्लैट और अटेस्टेड कॉपी आपके आइडेंटिटी कार्ड की, ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। नेक्स्ट आपको एक एफिडेविट लेके जाना होगा जिसमें लिखा गया होगा कि आपने कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन अपने फ्लैट के अंदर नहीं किया है, प्लस आपका कोई भी इशू DDA के साथ नहीं चल रहा है, कोई भी किसी टाइप का केस चल नहीं रहा है। जैसे कि मेरे केस में हमने DDA के ऊपर केस किया था, काफ़ी कंप्लेंट्स थी, तो इस टाइप के इश्यूज आपके जो भी है ये रिजॉल्व हो जाने चाहिए पहले ही, आपका किसी भी टाइप का केस नहीं चल रहा होना चाहिए। इसके बाद आपको अपने साथ में दो विटनेस को लेके जाना पड़ेगा उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ के साथ, और आपको 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स अपने साथ रखने हैं, आपके और अपने वाइफ के। अब इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो उस केस में भी आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कि आप लीगली वेडेड हैं। इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी, तो मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जिस दिन आपको DDA का अपॉइंटमेंट मिलेगा उसी दिन आप अपना रजिस्ट्रार ऑफिस का भी अपॉइंटमेंट ले ले, इससे आपका 2 दिन वेस्ट नहीं होगा, आपका सारा काम एक ही दिन में हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी जो मैंने इस बार एक्सपीरियंस किया है, वो ये है कि अगर आपने अपना EMD अमाउंट या फिर बुकिंग अमाउंट लोन लेके भरा है, तो उस केस में आपने जिस बैंक से लोन लिया है वहाँ से आपको अगेन NOC देना पड़ेगा। तो आप उस बैंक से पहले ही NOC लेकर रखिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ताकि डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे आप उसे इजीली सबमिट कर सकें। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेज दिए गए हैं कि कौन से दिन आपको कन्वेंस डीड के एग्जीक्यूशन के लिए आना है। तो यहाँ पे EWS वालों के लिए मंडे है, LIG वालों के लिए ट्यूजडे है और MIG वालों के लिए वेनसडे है। अब फ्रेंड्स, आपको रजिस्ट्रार ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेने के लिए SRAMS.delhi.government.in के वेबसाइट पे जाकर अपॉइंटमेंट लेना है। तो फ्रेंड्स, कोशिश करिए कि जो अपॉइंटमेंट है आप आफ्टरनून के टाइम पे ले, ताकि आपका दोनों काम एक ही दिन में हो जाए। जैसे कि मैंने अपॉइंटमेंट 1:30 बजे का लिया था, तो इसके पहले मैंने अपने सारे कन्वेंस डीड वाला जो काम था वो पूरा कर लिया था, और उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस का काम हुआ, तो आप जल्दी फ्री हो जाएंगे, एक ही दिन में फ्री हो जाएंगे। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको कुछ इस तरीके का स्लिप आपको जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट, आप अपने अपॉइंटमेंट वाली डेट पे DDA के ऑफिस पहुंच जाइए सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। आप कोशिश करिएगा कि एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स को आप वेरीफाई कर लीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप यहाँ पे पहुंच जाइए। आप देख सकते हैं कि ये DDA ऑफिस का नज़ारा है, यहाँ पे कितनी सारी रश है, और यहाँ पे विदाउट एजेंट काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ का काम। तो यहाँ पे अलग अलग काउंटर्स बने हैं HIG, MIG और LIG के लिए, तो आप जिस भी कैटेगरी में लाए करते हैं उस काउंटर पे आपको जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिखाने हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बारी बारी से वेरीफाई करेंगे और काफ़ी थॉरली वेरीफाई करते हैं, और इस तरीके से कुछ स्टैम्प और साइन वहाँ पर लगते हैं, इस पे आपका भी साइन लिया जाएगा, और इसके बाद आपको ये जो ग्रीन पेपर है ये हैंडओवर कर दिया जाएगा। आगे आप इसको लेके रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे रजिस्ट्री के लिए। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में आप अपने अपॉइंटमेंट वाले टाइम पे पहुंच जाइए। वहाँ पे जाने के बाद आपको क्यू में लगना होगा और आपको अपनी अटेंडेंस देनी होगी। उसके बाद वो लोग आपका फाइल ओपन करेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स को फिर से अच्छे तरीके से वेरीफाई करेंगे, और आपके साइन लगेंगे वहाँ पे और आपकी फ़ोटोग्राफ्स ली जाएंगी। तो अब आपको यहाँ पे 2 विटनेस को भी साथ में रखना है, क्योंकि उनकी भी साइन लगेंगी और उनके भी फ़ोटोग्राफ्स लिए जाएंगे। फ्रेंड्स, फाइनली मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर याद दिलाना चाहूँगी कि आप जब भी जाएं अपने अपॉइंटमेंट वाले दिन, तो आप जहाँ से आपने बैंक से लोन लिया है उस बैंक के एक एम्प्लॉय को ज़रूर लेके जाएं। उनका वहाँ पे रहना मैंडेटरी है, क्योंकि उनके वहाँ पे साइन चाहिए होंगे और बैंक से NOC सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, तो आप ये चीज़ मत भूलिएगा। अब फाइनली ये सारे प्रोसेस के बाद आपको DDA एक ऐसा स्लिप देगा, फाइनल स्लिप आपको इस तरीके की मिलेगी। ये एक टाइप का अपडेशन स्लिप है जो बताता है कि आपकी फाइनली रजिस्ट्री हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, ये था रजिस्ट्री का सारा प्रोसेस। मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें आप लोगों को बताने की कोशिश की है, डिटेल में इन्फॉर्मेशन दिया है। अगर कुछ रह गया हो, आपको चाहिए कि स्टैम्प ड्यूटी कैसे भरते हैं, ये सारी चीज़ें अगर डिटेल में आपको चाहिए इसके ऊपर वीडियो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर इस पर भी वीडियो बनाऊँगी।
सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो के ज़रिए आपको अपना फ्लैट का रजिस्ट्री करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो शायद क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।